अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैंने बनाई है फ़िश करी यानी कि मछली का सालन। तो टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आए। सबसे पहले मैंने उधर आधा कप तेल शामिल किया है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, आप बस एक बटन ही दबा लें और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इधर मैंने शामिल किया है एक टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाना शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है मछली में। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा भुन चुका है, तो फिर अब ये मैंने कड़ी पत्ता शामिल कर दिया। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें और नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कड़ी पत्ते से खुशबू बहुत अच्छी आती है मछली में, और मेथी डालना, मेथी दाना तो डालना लाजमी है आपके लिए। एक चम्मच यहाँ मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, और मैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को भून लूँगी। मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज की प्यूरी बना के रखी हुई है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। आपके आप छोटी प्याज, मतलब आप एक बाउल का हिसाब रख लें कि एक बाउल मैंने इसमें प्याज की प्यूरी डाली है। और इसी तरह मैंने तीन टमाटर लिए थे जिन्हें भी मैंने पीस लिया था, प्यूरी बना ली थी उनकी। और पहले मैं ये प्याज को फ्राई होने दूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने तीन टमाटर जो पीस के रखे हुए हैं उन्हें भी मैंने शामिल कर देना। अभी आते हुए आपको रेसिपी में दिख जाएंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो इधर मैंने एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया, और इन तीनों चीज़ों की मैं अभी बुनाई कर रही हूँ। तो ये देखें आप, टमाटर की भी प्यूरी मैंने शामिल कर दी है। और अगर आप लोग मेरी रेसिपी पे अभी तक मौजूद हैं तो मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें। एक चम्मच लाल मिर्च शामिल की है मैंने, धनिया पाउडर मैंने दो चम्मच शामिल किया है यहाँ पर। और आप याद रखें कि आप ये मैं जो बता रही हूँ सारा, ये एक किलो मछली की कड़ी का हिसाब बता रही हूँ। तो दो चम्मच धनिया पाउडर शामिल करने के बाद हंसी जायका नमक शामिल करें। एक चम्मच नमक का इस्तेमाल मैंने इधर किया है। मुझे आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट दूंगी।
एक चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ यहाँ, और एक ही चम्मच में गरम मसाले का पाउडर शामिल करूँगी। जब तक मसाला और तेल अलग ना महसूस हो आपको, जब तक आप भूनते रहें। उसके बाद 1 किलो मछली अपनी चॉइस की शामिल कर दें। मैंने इधर पापलेट ली है, आप अपनी चॉइस की भी कोई मछली शामिल कर सकते हैं। ये बुनाई हो चुकी है, अब ये फिश है 1 किलो, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मछली में आप जब तक चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उसका गोश्त आपको सफ़ेद ना दिखे। जैसे ही हल्का सफ़ेद महसूस होने लग जाए तो उसके बाद से आप अपना चमचा इस्तेमाल ना करें मछली में, वरना फिर मछली टूट सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मछली की भी बुनाई हो चुकी है, तेल अलग और मसाला अलग हो गया है, तेल नज़र आने लग गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। मैंने इधर 2 कप पानी शामिल किया है। चावलों के साथ खाएंगे आप लोग तो इसमें 2 कप डालिएगा पानी, और अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो आप लोग 1.5 कप डाल दीजिएगा पानी। इसको मैं ढक दूंगी और थोड़ी देर पकने दूंगी। एंड में मैंने अदरक और हरी मिर्च डाली है ताकि ये बहुत खूबसूरत सी लगे और मज़ेदार भी बनी है ये रेसिपी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसी वीडियो अच्छी लगी मेरी, और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। चलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।